नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइवस्ट्रीम देख रहे हैं। बीते 2 महीनों से कृषि कानून को लेकर के धरने पर बैठे किसानों ने आज ट्रैक्टर परेड की है। 26 जनवरी का दिन है, पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे में किसानों ने ट्रैक्टर परेड की है दिल्ली में, और इस परेड ने अब कहीं ना कहीं हिंसक रूप ले लिया है। कई जगह से हिंसा की खबर निकल के आई है। जो प्रदर्शनकारी है, जी हाँ बिल्कुल, उन्हें हम प्रदर्शनकारी ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बातें कही गई थी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड करेंगे, इसकी इजाज़त भी मिल गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से कह सकें वहाँ पर हिंसक झड़प हुई है, कई जगह पर मारपीट हुई है, कई जगह पर तलवार तक निकाल लिए गए हैं, तो ऐसे में अब इंटरनेट बंद कर दिया गया है कई जगहों का। जिस तरीके से जानकारी में मिल रही है, जो किसानों की लड़ाई थी वो अब लाल किले तक आ चुकी है। लाल किले पर भी किसान संगठनों ने चढ़ाई कर दी है, वो भी आज के दिन। सोचिए ज़रा कितनी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। अगर आप दिल्ली से वाकिफ़ है तो लाल किले के अंदर जाना कितना कठिन काम है, और वो भी किसानों ने उस पर झंडा गाड़ दिया। तो कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी कृषि अध्यादेश के खिलाफ, तो अब इस लड़ाई ने हिंसक रूप ले लिया है। और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, मुकरबा चौक और नांगलोई में इंटरनेट सेवा को आज रात 12 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। हम एक बार फिर से दोहराते हैं, जिन जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है वह सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, मुकरबा चौक और नांगलोई में इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है। आप कई जगहों की तस्वीरें भी देख सकते होंगे किस तरीके से हिंसक झड़प हो रही है। और गृह मंत्रालय में बैठक शुरू हो गई, जो कन्फर्म सूत्र हमें बता रहे हैं, गृह विभाग जो सचिव हैं वो भी मौजूद हैं। अमित शाह इस मीटिंग को कर रहे हैं और इसमें कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली में हुई कई जगहों पर हिंसा की घटना ने गृह मंत्रालय को आज 26 जनवरी के दिन आपात बैठक बुलाने पर मजबूर कर दिया है, और ऐसे में इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद कर दी गई हैं रात 12 बजे तक के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो भी चाह रहे होंगे कि आज के दिन कम से कम शांति बरकरार रहे। आज का दिन 26 जनवरी का दिन, हमारे गणतंत्र दिवस का दिन, देश की एकता और अखंडता को दर्शाता है। दिल्ली के राजपथ पर परेड भी हुआ है, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगे झंडे की सलामी ली है और परेड की भी सलामी ली है। और ऐसे में आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जब ये कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड होगा, तो ऐसे में क्यों आखिर ये परेड प्रदर्शनकारी में बदल गए? परेड में प्रदर्शनकारी कहां से आ गए? जब आप किसान हैं, आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, तो ये प्रदर्शनकारी कौन हैं? और जिस तरीके से इंटेलिजेंस विभाग के भी कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है, खुफिया रिपोर्ट है, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष तो खैर सवाल पूछेगा ही, लेकिन सत्ता पक्ष भी तैयार है। इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं, अभी की बड़ी खबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। दिल्ली में हमारे संवाददाता सौरभ राज हर पल की खबरों से आपको रूबरू करा रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ अपनी नज़रें लाइव स्ट्रीम पर बनाए रखें, क्योंकि हर बड़ी खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।